हमारे बीच है बबीता कच्छप जी, आइए हम जानते हैं इनसे दो शब्द। क्या लग रहा है इस बार मांडर विधानसभा से आप लोग का तैयारी किस तरह से है? देखिए जिस तरह का माहौल दिख रहा है यहाँ पे, हर घर घर से अभी अब की बार आवाज़ आ रही है कि अब की बार पढ़ा सरकार, जो कि हमारे प्रत्याशी भारत जैसी पार्टी, जो कि अपनी पार्टी है आदिवासियों की, यहाँ के मूल निवासियों की, इनकी अपनी सरकार इस बार बनने वाली है हमारे मांडर विधानसभा में। और हमारे जो प्रत्याशी हैं जागरी उराव, काफ़ी जल जंगल जमीन को लेकर मुखर रहे हैं, लगातार यहाँ के आदिवासियों के मूल निवासियों के लिए लगातार काम करते आए हैं। और जिस तरह का रुख आप देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार तो हमारे विधायक को हम भेज के रहेंगे सदन में। क्या इस बार जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% हम जीत पाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की आम जनता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे जो जल जंगल जमीन अधिकार की बात करने वाले, क्योंकि आपने 70 साल से देखा भाजपा कांग्रेस को और 24 साल से देख रहे स्थानीय पार्टियां यहाँ की जल जंगल जमीन खनिज को जिस तरह से अडानी अंबानी कंपनी को देने का लगातार काम कर रही है, यहाँ के आदिवासी यहाँ के मूल निवासियों के लिए जो आपका स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं होने की वजह से यहाँ की महिलाएं जाके बाहर जाके वहाँ पे उनका पलायन होके उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है। और यहाँ के आदिवासी मूल निवासी जो लड़के लड़कियाँ हैं, इनको नौकरी नहीं मिल पाने की वजह से बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इनको अगर हम चुनते हैं तो इस बार बिल्कुल सबका विकास होगा। और केवल ये भारतीय जनता पार्टी और ये विधायक लोगों को मतलब कि केवल नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मालिक जल जंगल जमीन खनिज के मालिक बनाने की बात कर रहे हैं। लापुंग प्रखंड आए हैं मैडम, क्या आप लोग के साथ में सभी लोग? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो आप चैनल वालों को पता है, आम जनता को पता है लापुंग में जिस तरह का माहौल दिख रहा है। सबसे ज़्यादा लीड तो लापुंग प्रखंड से ही होगा भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रत्याशी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं काफ़ी जनसंख्या में भारत आदिवासी पार्टी के यहाँ भारी जनसंख्या में है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जगरे उराव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जगरे उराव जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जगरे उराव जीतेगा। कमांडर का नेता कैसा होगा, जगरे उराव कैसा होगा, कमांडर का विधायक कैसा होगा, जगरे उराव कैसा होगा। जय जोहार का नारा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जगरे उराव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जगरे उराव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा होगा, जगरे उराव कैसा होगा, हमारा नेता कैसा होगा, जगरे उराव कैसा होगा। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, धरती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारा विधायक कैसा हो, जगरे उराव कैसा हो, मंडल का विधायक कैसा हो, जगरे उराव कैसा हो, जगरे उराव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जगरे उराव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा होगा, हमारा नेता कैसा होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी से टकराएगा, आदिवासी से टकराएगा, जीरो जाएगा, आदिवासी से टकराएगा, जीरो जाएगा, हम से टकराएगा, चोर चोर हो जाएगा। ये उनसे टकराएगा, चोर चोर हो जाएगा, और बड़े वाले सूखी लोगे तो ये 200 रुपए का आता है जंगली प्याज का तेल। इसका दूसरा फायदा कौन सा है कि जो आदमी को बवासीर, जिस आदमी को थकंदर, जिस आदमी को खूनी बादी, नीसी वाली बवासीर की बीमारी होगी,
शाम अगर 5 दिन लगा तो बिल्कुल ही बवासीर को ठीक कर देगा। जंगली प्याज का तेल, इसी तेल का दूसरा कौन सा फायदा है तो जो आदमी को एक्जिमा है, देख सकते हैं जागरे का आंगबान लापुंग में। छोटा वाला 100 रुपए का है, ये जंगली प्याज का तेल है। इसे तेल को लगाओगे